फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद ताप्ती। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। आज मैं बनाऊंगी एक बर्ड हाउस। के लिए चाहिए एक जूस कंटेनर, सम आइसक्रीम स्टिक, ग्लू गन। इफ़ यू डोंट हैव ग्लू गन, आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड, यहाँ पे एक मैं विंडो के लिए होल बना देती हूँ। यहाँ से हम कट कर लेंगे। नाउ आइसक्रीम स्टिक जो है इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे साइड में उसके। आप अपने पैटर्न, अपने डिज़ाइन से भी आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। एंड बोथ द साइड। अब हम पेंट करेंगे इस पर। उसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। दिस इज़ येलो एक्रेलिक कलर। नाउ आई एम गोना पेंट ऑन दिस। फ्रेंड, डबल कोट पेंट करेंगे ताकि जो इसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ना दिखे। बिल्कुल अच्छे से पेंट कर लेना है। नाउ इट्स डन, लेट इट ड्राई। अब ड्राई होने के बाद जो है हम इसके फ्रंट पे सिंपल सा पैटर्न में ड्रॉ करूँगी। फ्रेंड, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कम से कम आप इसे बना सकते हैं बहुत ईजली। अदरवाइज़ आप इस पर अपने कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। एंड नाउ ये आइसक्रीम स्टिक पे भी मैं पेंट कर लूँगी। जनरली जो वुड का कलर होता है ब्राउन होता है, इसलिए मैंने इसमें ब्राउन कलर चूज़ किया है। दोनों साइड मैंने पेंट कर लिया है, एज़ यू कैन सी। ना ऊपर जो है हट बनाना है, उसके लिए दो पेपर लिया है मैंने जो थोड़ा हार्ड है। आप भी आराम से कोई भी इस तरह के पेपर लगा सकते हैं ऊपर में। विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन मैं इस पर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। आप भी हर पॉइंट को देख रहे हैं जिस तरह से मैं पेंट कर रही हूँ, आप भी इस तरह से अच्छे से पेस्ट कर लें। फ्रेंड, एज यू कैन सी मैं कुछ एज बना रही हूँ ग्लू गन के हेल्प से, ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, थोड़ा 3D लुक आए इसमें। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नाउ इस पर जो है मैच स्टिक मैं पेस्ट करूँगी ताकि बिल्कुल हट टाइप लगे। ये एरिया जहाँ पे बॉटल का ढक्कन दिख रहा था, यहाँ पे मैंने इसे भी पेस्ट कर दिया है। नाउ इस तरह से स्टिकर्स अवेलेबल हैं स्टेशनरी शॉप में, तो ये बहुत ईजी है। आपको कोई भी पैटर्न बनाने नहीं आता तो इस तरह से स्टिकर्स आप पेस्ट कर लें। इस तरह के पर्ल टाइप के भी स्टिकर्स अवेलेबल हैं, वेरी इजी। इसे भी पेस्ट करना बहुत ही ईजी है, तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया है ताकि इट्स वेरी इजी फॉर यू। आप लोग के लिए भी बहुत आसान हो, आप इसे ईजिली बना सकें। नाउ इस टाइप के 3D रोज़ेस थे तो मैंने उसे भी परचेज कर लिया था। नाउ हट पे जो है वापस से मैं दोनों साइड स्टिक को जो है पेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। नाउ फ्रेंड, आफ्टर पेस्टिंग इट हम इस पर पेंट करेंगे। मैं ब्राउन कलर से ही एज यूजुअल इस पर भी पेंट करूंगी, एज यू कैन सी। फ्रेंड, दोनों साइड पेंट हो चुका है, इसे हम ड्राई होने देंगे। जब तक ये ड्राई होता है आई एम गोना टेक दीज टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लीफ। इस तरह के आर्टिफिशियल लीफ हमारे घर में किसी भी जो भी हम आर्टिफिशियल फ्लावर खरीदते हैं उसमें होता है, तो इट्स नो नीड टू परचेस। उससे भी आप एक दो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस तरह से मैं इसमें विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन फिक्स कर दी। नाउ इट्स लुक ब्यूटिफुल। इस तरह से इसके हट पे भी मैं रोजेज लगा रही हूँ। ऑल्टरनेट लगाया है मैंने ताकि थोड़ा डिफरेंट लुक लगे। एंड इट्स अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग पर डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा फ्लावर जो है, ये सॉरी जो लीफ है उसे भी पेस्ट कर दिया है। नाउ इट्स लुक ब्यूटिफुल एंड माय बर्ड हाउस इज कंप्लीट। लास्ट थिंग, इसमें हैंगिंग के लिए मैंने इसमें ये पेस्ट कर दिया है। नाउ हम इसे इजीली हैंग भी कर सकते हैं।
look, it's look beautiful. So friends, thank you for watching my video. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.